मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता हूं और व्यक्ति विशेष के बारे में कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि जान से मारने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हाउस में बैठ करके धमकी देता है और वहां से कहा जाता है कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं कि पूरा गुंडा मुख्यमंत्री जी के आवास के नाक के नीचे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। आम आदमी पर अभी तक केस हुआ होता बकरी का तो जेल चले गए होते, आंदोलन पर केस होता है तो तुरंत 100 पुलिस घेर लेती है, छात्रों पर लाठी गोली चलती है, लेकिन इन अपराधी माफियाओं को कोई उंगली दिखाने वाला नहीं, निरंकुश हो चुकी है, डर निकल चुका है। आरोप साबित, मतलब इनको बुलाया गया, इनको इनके पास सारे प्रूफ है, पैसा इन्होंने दिया है 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का मुर्गा और बिल दिया है, इनके फोन पर धमकी दी गई है, संयम है कोतवाल तो अब डर का है का, कोई सुरक्षित नहीं है जनाब। अपराधी का मन इतना बड़ा हुआ है सिर्फ यह कहने से कि भैया अस्थिर से जाइए, माथे में गोली मार दिया जा रहा है। जब बिहार निर्माण करने वालों को भी की फैमिली को और उसके प्रगति को भी आप चैलेंज करेंगे और उसे जीने का राइट नहीं देंगे, लगातार धमकी मिलेगी और आप यह कहेंगे कि कंप्रोमाइज कर लिया जाए सीएम हाउस से, हमारे जसवाल साहब डरने वाले व्यक्ति किसी से नहीं थे इस बिहार में, पूरा बिहार जसवाल समाज ही नहीं, पूरा बिहार जसवाल जी के पीछे खड़ा है। जसवाल जी को टच करने के पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा पप्पू यादव से, पप्पू पांडे को निर्माण में, और बिहार के किसी भी व्यक्ति को इन अपराधियों के द्वारा चैलेंज होगा तो महाभारत होगा। हम इन लोगों से आजादी चाहते हैं बिहार की, और मेरा आरोप है कि जो बात जसवाल साहब ने कही, इनको सबसे ज्यादा डर तब लगा जब ये शिकायत करने पहुंचे मुख्यमंत्री जी के पास, और जिसने इनको जान से मारने की धमकी दी वो मुख्यमंत्री जी से मिल रहे थे, मुख्यमंत्री जी के आवास में थे। और उसके बाद हमसे पहले पहुंच गए, और उसके बाद कंप्रोमाइज करने की बात मुख्यमंत्री के आवास से। आज बीजेपी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें कहा गया कि दागी कोई मतलब नहीं रखता है, हम किसी को भी टिकट देंगे जीतने के लिए अभी, और ये बयान सुशील मोदी का है।